हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत लोगों को परेशान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लांटर फेसाइटिस की। अगर आपके पैरों में सुबह उठते ही दर्द होता है या फिर ज़्यादा देर तक चलने से पेन होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं प्लांटर फेसाइटिस होता क्या। प्लांटर फेसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पैर के नीचे जो टिश्यूज होता है, जिसे हम प्लांटर फेसिया कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन होती है। ये टिश्यू आपके हील से लेकर आपके टोस तक जाता है और आपके पैरों को सपोर्ट करता है। अब ये समझना जरूरी है कि प्लांटर फेसाइटिस का मेजर कॉज ओवर यूज है। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या रनिंग करते हैं या फिर ऐसे शूज पहनते हैं जो प्रॉपर सपोर्ट नहीं देते तो आपको ये इशू हो सकता है। प्लांटर फेसाइटिस को मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये देखिए, ये हैं कुछ कॉमन स्ट्रेचेस जो आप घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइजेस है या स्ट्रेच है काफ स्ट्रेचिंग। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ, दीवार के साथ करना। इसमें क्या करेंगे, आप अपने पैर को इस तरीके से आगे दीवार के साथ टच करेंगे। आपकी नी स्ट्रेट रहना चाहिए, लॉक रहेगी। अब इसको लॉक रखे रखे अब इस अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, आपको फील होगा काप के आसपास स्ट्रेच। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। 3 से 4 बार इसको रिपीट करेंगे। दिन में 2 से 3 बार मिनिमम ये एक्सरसाइजेस करेंगे। दूसरे पैर पे दिखाता हूँ करके। जिस पैर का कर रहे हैं उसको दीवार पे रखना है, पंजे पे, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ आगे की तरफ। पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, नी लॉक रहेगा और आगे की तरफ बटेक्स को पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकेंड। 4 से 5 रिपीटेशन करेंगे, दिन में 2 से 3 बार करेंगे। ये था पहला काफ स्ट्रेच। दूसरा तरीका है जिसमें आपको एक टावल लगेगा। दूसरा तरीका है, एक टावल लेंगे, टावल को ये पंजे पे फंसाएंगे। पंजे पे फंसाने के बाद टावल को नी को बिना बैंड के टावल को खींचेंगे अपनी तरफ, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 15 से 20 सेकंड के लिए। 4 से 5 बार इसको रिपीट करेंगे एंड रिलैक्स। ध्यान ये देना है कि बैक को जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना आपका ठीक रहेगा। बैक बेंड नहीं करना है इस तरीके से, नहीं तो बैक में भी पेन आने लगेगा। दूसरे पैर में भी करके दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। पंजे में फंसाया मैंने, देख सकते हैं आप। अपनी तरफ बैक को स्ट्रेट करके अपनी तरफ पुल किया, पंजे को होल्ड किया, स्ट्रेच आपको यहाँ काफ में फील होगा। 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है, 4 से 5 बार रिपीट करना है, दिन में 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था काफ को स्ट्रेच करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ। दूसरी एक्सरसाइजेस इस फॉर्म रोल से है, काफ पे इसको काफ के नीचे रख के इसको रोल करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। अमेजोन पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको क्या करना है, काफ के अपर वाले पार्ट पे रखेंगे इसको, बॉडी वेट डालेंगे इस पर, दोनों लेग ये रख के, और इस तरीके से आराम आराम से इसको रोल करेंगे 2 से 3 मिनट रोल करेंगे। आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब इस तरीके से ऐसे दूसरे लेग को पे भी कर सकते हैं। काफ को रिलीज करने का सबसे आसान तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है, या तो आप ये टेनिस की बॉल जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, या फिर आप ये बोतल का यूज कर सकते हैं। इसको पैर के नीचे रखेंगे कुछ इस तरीके से, जो प्लांटर फेसाइटिस है उस पर इसको प्रेशर के साथ रोल करें। इसके साथ आप एक चीज़ और ये भी कर सकते हो कि
मैंने जैसे ठंडा पानी इसमें भर रखा है, आप गर्म भी भर सकते हो, ठंडा भी भर सकते हो, दोनों ही आपके लिए बेनिफिट देगा। जो आपको जो पेन हो रहा है आपको तुरंत इसमें रिलीफ मिलेगा। इसको भी 2 से 3 मिनट रोल करेंगे, दिन में 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे। आइस ज़्यादा बेहतर रहता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको वो काफ़ी कम करता है। तो कोशिश ये करो कि जितना चिल्ड वाटर होगा उतना आपके लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक छोटा सा टॉवल ले लेंगे इसके लिए, फिंगर को कर्ल करना है इस तरीके से, ये स्ट्रेंथन के लिए। ये सबसे पहले कर्ल करेंगे, और इसको एडवांस करना है तो फिर पैर से इसको लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। ये फिर नीचे रखेंगे, लिफ्ट किया फिर नीचे रखा, 10 to 15 times इसको रिपीट करेंगे दिन में 2 से 3 बार। और अगर इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। समटाइम्स एडवांस मोडालिटीज़ की ज़रूरत होती है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो बिना ज़्यादा देर किए आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और प्लांटर फैसिलिटीज़ के पेन से छुटकारा पाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल गाइड ऑन प्लांटर फैसिलिटीज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हेल्थी रहें। बाय बाय।